तो हमें अब ये पूरा एक बार समझना है कि चैप्टर 4 ये बताता है कि मकान मालिक और किराएदार के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, वैसे चैप्टर जो 4 है वो सेक्शन 12 से लेकर 20 तक के बारे में प्रोविजन बताता है कि मकान मालिक के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे और किराएदार के क्या होंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, सेक्शन 12 से लेकर 15 तक हमने समझ लिया था, यानी कि 12 में हमने नॉर्मली समझी थी कि एग्रीमेंट बनाएंगे, दोनों के कॉपी देंगे, किराएदार का ये कर्तव्य था कि वो किराया देगा, मकान मालिक का कर्तव्य था कि वो उसे रसीद देगा और जो रेंट है वो किसी भी माध्यम से दिया जा सकता है, चाहे वो चेक के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, और संपत्ति की मरम्मत वगैरह करने का कर्तव्य होगा मकान मालिक का होगा, किराएदार का होगा, जो जैसे ड्यूटी कर रखी हो, और यदि वो नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं उसको कराने के पश्चात हम तो एक व्यक्ति दूसरे से वसूल कर सकता है। उसके बाद जो आज के लेक्चर में हम समझेंगे सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 तक, तो सेक्शन 16 में बताया गया है किराएदार का क्या कर्तव्य है। तो किराएदार का कर्तव्य होगा नॉट टू डैमेज, जो भी उसने प्रिमाइस है जो किराए पर लिया है वह उसको क्षति नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाता है तो मकान मालिक को इसके संबंध में सूचित करेगा और जो भी उसने प्रमाइस किराए पर लिया है उसकी उचित रूप से देखभाल करेगा और उसकी साथ जो फिटिंग्स है उनको भी जो रीजनेबल तरीके से केयर रखेगा। मान लो मकान लिया, वो सीलन जा रही है या फिर पानी ही भर रखा है एक इलाके में, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब मान लो कहीं वॉशरूम में है या फिर कोई थोड़ा सा वैसा है, हर समय पानी रहेगा तो उसे दीवार खराब होंगी। तो जो भी है आपकी प्रमाइस उसको क्षति नहीं पहुंचाएगा और दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की अनुमति भी नहीं देगा, और इन्फॉर्म करके यदि कोई व्यक्ति पहुंचाता है और रीजनेबल केयर करेगा प्रमाइस की और उसकी फिटिंग्स वगैरह है उसको भी देखभाल करेगा। फिर लैंडलॉर्ड का ये एक अधिकार है कि वह यदि समय समय पर प्रमाइस पर जो उसने किराए पर दिया उसमें प्रवेश कर सकता है। अब प्रवेश करेगा वो किस लिए प्रवेश करेगा और कैसे करेगा, तो एक्चुअली जो प्रवेश करेगा उससे पहले वह किराएदार को 24 घंटे का नोटिस देगा कि मैं इसमें प्रवेश करना चाह रहा हूँ। किस लिए, वो देखभाल करने के लिए, जो सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही है, इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर अन्य कोई रीजन है उसे उचित लगता है तो वहां पर वह उस मकान में प्रवेश कर सकता है। सेक्शन 18 ये बता रहा है कि लैंडलॉर्ड यदि किसी प्रॉपर्टी मैनेजर को अपॉइंट करता है तो वह किराएदार को बताएगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि अब हो सकता है उसके बिहाफ से जो काम करेगा वो मैनेजर करेगा, किराया लेगा, वहां पर जाएगा, नोटिस देगा, तो ये माना जाएगा कि उसी की ओर से काम कर रहा है तो उसे पहले सूचित करेगा। तो यहाँ पर सूचना देने का कर्तव्य हो गया मकान मालिक का रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजर। अब चूंकि हमने प्रॉपर्टी मैनेजर नियुक्त कर दिया संपत्ति प्रबंधक, तो नेक्स्ट सेक्शन ये बता रहा है कि संपत्ति प्रबंधक के कर्तव्य क्या होंगे। तो ड्यूटी ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजर में है पहले किराया कलेक्ट करने का उसका कर्तव्य है, और ड्यूटी टू रिपेयर कराने का कर्तव्य है, और जो प्रमाइस दिया रेंट पर उसे इंस्पेक्ट करने का, उसे जांच पड़ताल करने का कर्तव्य है, आवश्यकता पड़ने पर उसे नोटिस दे सकता है आपके किराएदार को, और यदि कुछ किराएदार वगैरह के मध्य कुछ डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट्स को समाधान करने में जो सहायता हो सकती है वो भी करेगा, और अदर रेंट से संबंधित कुछ अन्य मैटर है तो एज पर डायरेक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड वो काम भी करेगा। ये सेक्शन 19। सेक्शन 20 के संदर्भ में बताया गया है कि लैंडलॉर्ड और मैनेजर के क्या कर्तव्य है। तो जो भी इसेंशियल सर्विस या फिर सप्लाई दी जा रही है उनकी ओर से उसे बंद नहीं करेगा। हम आवश्यक के बारे में बात कर रहे हैं, यदि कुछ भी दे रहा है मान लो वो न्यूज़पेपर है तो वो नहीं, जो इसेंशियल है। तो इसेंशियल सर्विस में सेक्शन 20 के स्पष्टीकरण में हमने पढ़ा तो क्या क्या चीज है वहां पर, जैसे बिजली हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, रास्ता हो गया, तो इस प्रकार से। यदि उसने विदहोल्ड कर ली है सर्विस या सप्लाई तो जो आपका टीनेंट है वह एप्लीकेशन दे सकता है रेंट अथॉरिटी के समक्ष। फिर रेंट अथॉरिटी दोनों पक्षकारों को सुनेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसके पश्चात यदि वह पाता है कि उसने गलत तरीके से विदहोल्ड किया है सप्लाई को या सर्विस को तो उस स्थिति में यहां पर रेमेडी दी जाएगी टीनेंट को और पेनल्टी लगाई जाएगी लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड के ऊपर कितना है 2 महीने तक का रेंट, है ना, अप टू 2 मंथ
रेंट पर ये लैंडलॉर्ड पर पेनल्टी लगा रहे हैं, और यदि जो एप्लीकेशन लगाई है फरीबलस और वैक्सीशियस प्रकृति की है, तुच्छ और तंग करने वाली है, तो उस स्थिति में जो किराएदार है उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है, वो भी सेम पेनल्टी है अप टू ट्वाइस ऑफ मंथली रेंट, यानी कि एक महीने की दुगनी राशि उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 12 से लेकर 20 तक मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और कर्तव्य होते हैं। कौन सी